सरकार आपकी द्वार का सिर्फ उपस्थित विश्व प्रिय अध्यक्ष सतीक जी, हमारे राजनीतिक दल से आए हुए सभी बंधु, मुखिया जी, साथ में पार्टियों के अध्यक्ष, उपस्थित थे मीडिया के बंधु और दूरदराज से आए हुए हमारे माताएं बहनी और प्रबुद्धजन, सरकार आपके द्वार का अचरक, जैसा नाम से आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार स्पष्ट है, योजनाओं को आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है, एक प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको सुविधाओं को देने का प्रयास किया गया। ऐसा नहीं है कि इसके पूर्व में काम नहीं होता था और इसके बाद में काम नहीं होगा, पूर्व में भी काम होता रहा है और कल से भी काम होगा, लेकिन 15 नवंबर की पहले यानी 14 नवंबर तक पूरे जिले में या कहा जाए कि पूरे राज्य में कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ग्रुप ग्रुप कर लोगों को आश्वासित कर रहे हैं, योजनाओं का लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है। एक चीज तो स्पष्ट है कि पेंशन योजना के अंतर्गत सभी विधवाओं को, सभी वृद्धजन जो 60 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, ऐसे लोगों को इस बार लगता है कि 100% पेंशन प्राप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दिव्यांग पेंशन में कुछ कमियां थी, प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण वो लाभ पूरी तरह से नहीं ले पा रहे थे, इसके लिए हम लोगों ने इसी हिसाब से बात की और आपके अनुमंडल में 3 दिन पहले हम लोगों ने एक कैंप कराया, उसमें बहुत अच्छी उपस्थिति 591 लोगों की उपस्थिति हुई, 483 लोगों का प्रमाण पत्र भी और उसका जो परसेंटेज लिखने का काम है और नॉमिनेशन रजिस्ट्रेशन का जो काम है वो पूरा कर लिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि इस तारीख तक पूरा प्रमाण पत्र बंदियों को भेज दिया जाएगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि इस माह के अंत तक जितने भी 40% से अधिक ये हमारे लाभुक होंगे उनको दिव्यांगों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये सरकार आपके द्वार के अंतर्गत के तहत नहीं है, मन में विचार आया और प्रमाण पत्र बना लेना और पुनः उसको लाभ लेना ये एक बड़ी उपलब्धि है। प्रमाण पत्र उनको आपके यहाँ सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसके लिए प्रमाण पत्र बनवाना ये उपलब्धि पर बात बनती है। सरकार आपके द्वार की सबसे बड़ी अगर कहा जाए कि सफलता है, ये सफलता है। अगर 200-300 लोगों को भी हम लोगों ने अनुमंडल क्षेत्र में लाभ दिया तो 300 व्यक्ति को जो कि दिशाएं है, चाहे धन घर का भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो विज्ञान है, दिव्यांग है, तो अपने आप में ही कमजोर हो जाता है, तो कमजोरों की आंसुओं को पूछने का एक प्रयास है। निश्चित रूप से इस सफलता का पूरी के लिए करता है। आवास की योजना है, सिरे का नाम है, जिनका नाम नहीं है उनके लिए अम्बेडकर आवास की व्यवस्था है, संभव है सारे लोगों ने मांग की है, हम लोग दे पाने की स्थिति में ना हो, लेकिन ये जरूर है कि अम्बेडकर आवास ऐसे लोगों का जिनका नाम से डाटा में नाम नहीं है, अन्य योजना से इसको लाभ नहीं दिया जा सकता है और बिल्कुल नहीं है। मिट्टी का घर है, टूटा हुआ घर है, हम लोग आच्छादित करने का पूरा प्रयास करेंगे और हद तक सफल भी हो जाएगा। मांग की जा तो बात है, आप मांग करने के लिए कुछ भी मांग कर सकते हैं, लेकिन सरकार के ध्यान के अनुकूल जो चीजें हैं निश्चित रूप से हम लोग उसको देने का प्रयास करेंगे और कोई हम लोग अपने पक्ष से नहीं दे रहे। सरकार की योजनाएं हैं, आज की आपके बीच हम बात कर पा रहे हैं तो आपको बता रहे हैं कि ये योजना चल रही है, मुझे तो पहले कहा करते थे भी नहीं सफलता है, क्योंकि 90% योजनाओं को चाहे पेंशन का हो, राशन का हो, आवास का हो, कृषि का हो, स्वास्थ्य का हो, जितने तरह की योजनाएं हैं उसमें 90% डिस्ट्रीब्यूटरों ने अब तक लगभग किया होगा, या मतलब 1000 अगर आपका आवेदन आया तो 900 पर काम किया जा चुका है, तो ये एक बड़ी चीज है और ये आपको दिखेगी।
क्योंकि जब पेंशन अगले महीने आपके खाते में जाता है, दिसंबर या जनवरी में आपके खाते में पेमेंट जाएगा, एक महीने से जब आप सब्सिडी मिलेंगे तो आपको विश्वास जरूर होगा। जब आपको पहले के एक महीने बाद अंबेडकर आवास योजना प्राप्त होगी, तब आपको लगेगा कि वास्तव में सरकार ने योजना रखी, इसका लाभ मिला। अभी हो सकता है मन आता होगा कि कहीं आवेदन भूल गए, कहीं कचरे में नहीं डाल देगा, ऐसा कुछ नहीं है। मन में जो भ्रांति है, एक जगह पिछले बार भी दिया था नहीं उठाया, पिछले बार क्या हुआ वो हम नहीं जानते, इस बार क्या हुआ वो बता सकते हैं। लिखा हुआ है बीती तारीख से आगे आगे चीज भी, तो जो बीता हुआ कल है उसके लिए हमको कोई गम नहीं, अभी हम लोग कर सकते हैं वो करेंगे।